हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनएनएम स्कूल में। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप देख सकते हो टर्म्स में आप कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा एथिकल हैकिंग विद एंड्रॉइड कोर्स चल रहा था। तो अभी तक मैंने 20 पार्ट्स उसके कवर कर लिए, मतलब जो भी 20 वीडियोस है वो मैंने डाल दिए अभी तक। तो आपने देखे भी होंगे। तो मैं कभी से वीडियो डाल नहीं रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ओके, और जब भी मुझे टाइम मिलता है वो मैं सारे वीडियो बना के आपको डाल देता हूँ इसी चैनल पर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखते प्ले लिस्ट बना ली है कभी की मैंने। ओके, एथिकल हैकिंग विद एंड्रॉइड फुल्स कोर्स, तो आपको इसको सेव कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाए जो भी इस कोर्स का जो भी वीडियो आए तो वही इसी प्लेलिस्ट में आएगा। तो आपको कहीं और उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आसानी से उसको सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, चलो मेरे ब्लॉग पर चलते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आप यहाँ से जा सकते डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पर, यहाँ देखो माई वेबसाइट नाम लिखा है, तो वहाँ से जा सकते हैं, या आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, जो भी कमांड्स है, जो भी डाउनलोड्स के लिंक्स हैं, तो आपको पता ही है। तो उसको भी फॉलो कर लेना है और बुक मार्क कर लेना है। और दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँ कि मैंने जो मेरा ब्लॉग है उसको अपडेट कर लिया है, तो उसका इंटरफेस भी मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। देखो आप, मतलब अभी बहुत अच्छा दिखता है, और आपको सर्च करने के लिए सर्च बार भी है, बहुत आसानी से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। और मैंने उस पर मेन्यू बार बना लिए, जिससे आप जो भी टॉपिक है तो वह सब आसानी से ढूंढ सकते हो। और मैंने मेरे ब्लॉग पर बाकी को सब कुछ मतलब डालना शुरू कर दिया, जैसे कि प्रोग्रामिंग ट्रिक्स, टर्म्स के बारे में, एथिकल हैकिंग, सब कुछ आने लगा है। तो ब्लॉग आगे है हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप वहाँ पर जाके मतलब इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमारा एथिकल हैकिंग विद एंड्रॉइड कोर्स चल रहा है, तो विद एंड्रॉइड कोर्स देखो देख सकते हैं। जैसे ही क्लिनक्स का कोर्स आएगा तो मैं विद क्लिनक्स भी डाल दूंगा, विंडोज़ का भी वैसे ही करूंगा। तो जो भी टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट, टर्म ट्यूटोरियल, तो अभी हमारा टर्म्स का ट्यूटोरियल चल रहा है। उसके बाद हम एनोनिमस देखेंगे कि एनोनिमस कैसे बने, उसके बाद हम बेसिक हैकिंग, उसके बाद एडवांस हैकिंग। तो ऐसा सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ से आसानी से। ओके, तो आपको ब्लॉग को जरूर रीड करना है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मतलब मेहनत करके ब्लॉग पर टाइपिंग करके बनाता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे इंटरफेस को देखें जो हम यूज़ कर रहे हैं टर्म्स में, मतलब जो भी इंटरफेस, मतलब इंटरफेस के भी टाइप होते हैं। तो टर्म्स में हम कुछ अलग इंटरफेस यूज़ करते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं, आपको दिखाऊंगा। और क्लिनक्स में हम रूट, क्लिनक्स में रूट कली का इंटरफेस यूज होता है, और पैरट में भी पैरट का इंटरफेस यूज होता है, तो उसका नाम देखने के लिए। तो ये छोटी सी ट्रिक हो गई। तो जो भी हमने, हम टर्म्स का ट्यूटोरियल का पार्ट था तो वो हमने कवर कर लिया, मतलब जो कि लर्निंग का पार्ट था वो। तो वही हम टर्म्स के ट्रिक्स का शुरू कर रहे हैं इसी वीडियो से। तो ये पहला वीडियो है इसका, टर्म्स के ट्रिक्स का। तो दोस्तों, ये पहला ही वीडियो है जो टर्म्स के ट्रिक्स का। ओके, तो यार उसके बाद मैं आपको दो तीन टर्म्स के ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये टर्म्स का कोई कोर्स नहीं है। ओके, टर्म्स का कोर्स भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे ब्लॉग पर वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं स्पेशल टर्म्स की एक लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्टली टर्म्स के जो भी ट्रिक्स है, जो भी पूरा एक्सेस कर सकते हो, मतलब वो भी मैं डाल रहा हूँ, पूरा डाला नहीं अभी तक। ओके, तो ये टर्म्स का कोर्स नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। ओके, मैं दो और तीन ट्रिक्स बताऊंगा, और जो भी इसके बाद मैं आपको टर्म्स मतलब खत्म कर दूंगा, और जो भी हमारा हैकिंग का पार्ट है वो जल्दी स्टार्ट करूंगा। अभी जल्द ही आने वाला है हमारा हैकिंग का पार्ट। ओके, तो हम देखते हैं कैसे हम यहाँ पर इंटरफेस देख सकते हो। तो चलो देखते हैं, उसके लिए हम एक ही कमांड यूज़ करते हैं, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। वो एम आई इस कमांड का यूज़ करते हैं हम। तो इसका अर्थ तो आपको मालूम है, वो एम आई मतलब मैं कौन हूँ, वैसे ही हम इसको टर्म्स में डालेंगे, वो हमें दिखा देगा। तो चलो टर्म्स में चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पर हम टर्म्स में आ चुके हैं, तो मैं इसको जरा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, मैंने क्लियर कर लिया है, तो अब मैं वो कमांड डालता हूँ। वो कमांड है वो एम आई, तो बहुत इजी कमांड है, तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से। ओके, देखो मैं डालता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो ये क्या आ गया, U0A32C372। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, एक बार दिखा दो वो एम आई। ओके, तो अगर आप क्लिनक्स में डालेंगे तो आपको रूट कली दिखाया, नहीं तो ओनली लोकल होस्ट का कली दिखाया, ऐसा कुछ दिखाएगा। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये इतना सा वीडियो था दोस्तों। तो दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे ब्लॉग को भी फॉलो कर देना। और दोस्तों एक बार कि मैंने अभी न्यू टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तो वहाँ पर मैं आपको मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, पर इसी वीडियो में भी बता देता हूँ। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स मतलब मॉड एप्स मूवीज के लिंक्स और बहुत कुछ, आप वहाँ पर प्रमोशन भी कर सकती हो। और ये जो मेरा ब्लॉग पर जो भी टॉपिक आता है, तो उसका जो भी शॉर्ट में मतलब ओनली स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो, तो वो सब मैं वहाँ पर डाल मतलब जल्दी डालने वाला हूँ। जैसे ही वहाँ पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर वो बढ़ेंगे, वैसे अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं डाल के क्या करूँगा। ओके, तो जैसे ही बढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर डालता जाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे इधर उसको भी फॉलो कीजिए। तो चलो बन चलते हैं।